जहाँ तक आपका मुआशी हकूक है, हम चाहेंगे कि हम उसूली तौर पे सियासी और सियासी फोरम्स पे चाहे पार्लियामेंट हो और पार्लियामेंट वो वाहिद इदारा है जो इस मुल्क की मुईशत का फैसला ले सकती है, वहाँ ये हल हो। लेकिन जब गैर आइनी स्टेप्स लिए जाते हैं, जब एनएफसी अवार्ड के कॉम्पोजिशन के गैर आइनी होगा, जब एनएफसी अवार्ड का नोटिफिकेशन गैर आइनी होगा और वो पीटीआई की हुकूमत इस इन इलीगैलिटीज को, इस इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेस को बार बार पॉइंट आउट करने के बजाय वो हमें वो जवाब नहीं देते, तो हम भी मजबूर हो जाएंगे और हमें इस इशू को अदालत में लेके जाना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह ताला जल्द, जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है इंशाल्लाह ताला, सब दुआ गो है, तो बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो ऑल पार्टीज का हमारा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगा जिस पे हम एनएफसी अवार्ड भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर एक पूरा ऑपोजिशन का मौकफ आपके सामने आएगा। वैसे ऑपोजिशन जमातों ने सुबह सतह पे इस पे काफ़ी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस इस वक्त तक रखे हैं। जहां तक काजी फैज ईसा रेफरेंस का सिलसिला है, उस पर भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने, यूनाइटेड ऑपोजिशन का स्टेटमेंट आया था कल, जॉइंट स्टेटमेंट आया था, आई थिंक वो काफ़ी तफसील का स्टेटमेंट था। एक शॉर्ट टर्म इमीडिएट जो विक्ट्री है वो इसका है कि जो हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है काफ़ी देर से, हमारा मौकफ रहा है कि करप्शन मौजूद है पाकिस्तान में, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से मौजूद है, लेकिन जो हमारा करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाते हैं वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए नहीं, करप्शन का मुकाबला करने के लिए नहीं, उनका एक दूसरा मकसद होता है और हमें इन दोनों चीज़ें को संभालना पड़ेगा। एक तरफ से हमें करप्शन का मुकाबला करना पड़ेगा, हमें जो ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में, सियासतदानों में, मगर हाँ अदलिया में भी करप्शन के इश्यूज होंगे, हमें ये एड्रेस करना पड़ेगा एक जमहूरी ट्रांसपेरेंट तरीका जिससे फैसले होते हैं और सब वो फैसले कबूल भी करते हैं, और साथ साथ हमें इसको भी वंस एंड फॉर ऑल इसको भी सेटल करना पड़ेगा, इस साइड को जो कि वो विक्टिमाइजेशन का साइड है, जो साइड है केसेस को इस्तेमाल करके किसी को प्रेशर डालने के लिए। जब तक वो जारी रहेगा तब तक आप करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते हो। हमें हमेशा के लिए, और मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये इस इश्यू को उठाए, जो बदनीयती से या करप्शन या दूसरे केसेस बनाते हैं, सियासतदानों को, जजेस को, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को स्क्रिप्ट पे ले आने के लिए, उस किस्म के जो इंतकामी केसेस है वो हमेशा के लिए ख़त्म होना पड़ेगा अगर हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है इसी जस्टिस फैज ईसा केस के मुतालिक कि अगर जज के ऊपर रेफरेंस बन सकता है इतना बात पे, तो फिर जो फैज ईसा साहब ने इंफॉर्मेशन लेकर आया है दूसरों के हवाले से, वजीरों का शाहिद नाम भी उसमें हो, उस पर भी जेआईटी बने, और जो सबसे संगीन बात है जो स्पाइंग ऑन जजेस पे भैंस
सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे भी चले हैं। ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को JIT बनाना चाहिए। ये मेरा वकास का सॉरी मास्क सब पहने हुए हैं तो थोड़ा सा नहीं हम एक तो फर्क है, NFC एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट है, वो ना कोई बेस है ना कोई, देयर इज नो डिबेट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पे आपको अमल करना ही करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस किस्म का तहफ्फुज, जैसे आईनी तहफ्फुज NFC अवार्ड के लिए है, हम इस किस्म का तहफ्फुज PFC को भी दे दें। इस वक्त आपका इस किस्म का तहफ्फुज PFC के लिए नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि PFC को भी वो तहफ्फुज मिले, और साथ साथ ये मुतालबा करते हैं कि पूरा NFC अवार्ड दिया जाए। इसलिए अगर पूरा NFC अवार्ड नहीं दिया जाएगा तो फिर PFC में क्या दिया जाएगा? PFC तो आपका NFC शेयर से बनेगा ना, और मैं चाहूंगा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट को हर डिविजन को उनका हक मिले, लेकिन अगर आपको वो रिसोर्सिस ही नहीं दिए जाएंगे तो नाइंसाफी होगा। और ये जो नाइंसाफी है जो ऊपर से शुरू होता है निचले सतह तक पहुंचता है, अगर आपके लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स आपका कचरा नहीं उठा सकते हैं, आपका सड़क और गटर नहीं बना सकते हैं, वो इसलिए कि उनको वो वसाइल नहीं दिया जा रहा है, उनको उनका जो उनका हक है वो नहीं दिया जा रहा है ना। उनका हल दो चीजें हैं, एक तो हम अपना हक के लिए मुतालबा करता रहें, हर फोरम पे लड़ते रहें, लेकिन साथ साथ हम अपना जो रेवेन्यू शेयर है उसमें हमें इजाफा करना पड़ेगा। इस वक्त तक सिंध हुकूमत ने 2009 से लेकर आज तक 7 times हमने इजाफा किया है हमारा रेवेन्यू में, किसी और सूबाई हुकूमत ने ये इजाफा नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने किया, ये सिर्फ सिंध हुकूमत करती रहती है। अपना रेवेन्यू शेयर में हम इजाफा करते हैं। जब हमने ये डेवल्यूशन का 18th Amendment का और NFC अवार्ड का सब कुछ हुआ, हमने सूबाई हुकूमतों को ये पावर्स दिए, हमने सूबाई हुकूमतों को ये वसाइल दिए, और साथ साथ हमने लिंक किया था कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करेंगे, टैक्स टू GDP रेशियो में आप इजाफा करेंगे। इसमें सिंध ने इजाफा किया, इसमें बलूचिस्तान ने इजाफा किया, इसमें पंजाब ने इजाफा किया। अगर इजाफा नहीं हुआ है तो वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ है, तो वो ना सिर्फ आपको अपना शेयर नहीं दे रहे हैं, वो अपना जो काम है जो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन है उसमें वो अपने टारगेट्स मिस कर रहे हैं, जिससे सूबाई हुकूमतों को के साथ नाइंसाफी हो रहा है, और उसके नीचे लेवल जो है वो लोकल गवर्नमेंट है, तो उनके साथ भी एक किस्म का नाइंसाफी हो रहा है।